ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो ये रेगुलर क्यों नहीं है? ये रेगुलर इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपका यहाँ पर कंपेरिजन हो रहा है। कंपेरिजन यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है? कंपेरिजन इस तरीके से हो रहा है कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी प्लस यहाँ पर ऑर्डरिंग भी है। ऑर्डरिंग यहाँ पर किस तरीके से है कि पहले सभी आपके ए आएंगे उसके बाद सभी आपके बी आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑर्डरिंग भी है, ऑर्डरिंग होने के साथ साथ यहाँ पर कंपेरिजन भी है। लेकिन देखिए ए स्टार बी स्टार को देखिए, ए स्टार बी स्टार में आपका कंपेरिजन नहीं है, केवल ऑर्डरिंग है। या फिर इसको लिख सकते हैं ए पावर एन बी पावर एम, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका केवल ऑर्डरिंग है। ऑर्डरिंग इस तरीके से है कि पहले सभी ए आएंगे उसके बाद सभी बी आएंगे। तो ऑर्डरिंग को एक फाइनाइट ऑटोमेटा डील कर सकता है लेकिन कंपेरिजन को फाइनाइट ऑटोमेटा डील नहीं कर सकता है क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास फाइनाइट मेमोरी होती है, ठीक है ना। तो फाइनाइट मेमोरी की वजह से आपका ये इस टाइप के कंपेरिजन को वो परफॉर्म नहीं कर सकता है लेकिन ऑर्डरिंग वो कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल ऑर्डरिंग है, कंपेरिजन नहीं है। पहले सभी ए आएंगे फिर सभी बी आएंगे, तो इसलिए आप इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या इसके लिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा क्या हो जाएगा? फाइनाइट ऑटोमेटा इस तरीके से हो जाएगा, पहले सभी ए आएंगे उसके बाद फिर आपके सभी बी आएंगे। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा हो जाएगा इस लैंग्वेज के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनाइट ऑटोमेटा ऑर्डरिंग कर सकता है लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑर्डरिंग होने के साथ साथ आपके कंपेरिजन भी है। तो कंपेरिजन आपका जो है आप एक पीडीए से कर सकते हैं। तो एक पीडीए की हेल्प से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ये जो लैंग्वेज हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्रामर हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है ना। और जो लैंग्वेज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीएफएल। इनफैक्ट ये जो लैंग्वेज है वो आपका डीसीएफएल होगी, ठीक है ना, क्योंकि एक स्टैक की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा के पास क्या होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा के पास एक इनफाइनाइट कैपेसिटी का स्टैक होता है। पुश डाउन ऑटोमेटा के पास एक इनफाइनाइट कैपेसिटी का स्टैक होता है। तो उस स्टैक का यूज करके आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर इस तरीके से करेंगे कि ए आने पर आप ए को पुश करेंगे और बी आने पर आप ए को पॉप करेंगे। अगर आपका स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो आपका वो लैंग्वेज एक्सेप्टेड होगा, तो आपकी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए क्यूब बी क्यूब, ठीक है ना, या ट्रिपल ए ट्रिपल बी। तो ए आने पर आप पुश कीजिए, ठीक है ना, फिर सेकंड ए आया आपने इसको पुश किया, थर्ड ए आया आपने इसको पुश किया, बी आने पर आपने इसको पॉप किया, फिर सेकंड बी आने पर इसको पॉप किया, फिर थर्ड बी आने पर आपने इसको पॉप किया। तो अगर स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद आपका स्टैक एम्प्टी है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट, अदरवाइज स्ट्रिंग रिजेक्टेड। तो एक स्टैक की हेल्प से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और पीडीए के पास एक इनफिनिट कैपेसिटी का स्टैक होता है, इसलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सीएफएल। और अब चूंकि यहां पर आपके पुश एंड पॉप यहां पर क्लियर है इसलिए हम इसको डीसीएफएल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप लैंग्वेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो इंटरसेक्शन देखने के लिए सबसे पहले तो इसको देखिए, यहाँ पर क्या स्ट्रिंग्स होंगे, यहाँ पर लैम्डा होगा, उसके बाद ए बी होगा, फिर इसके बाद ए बी का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद ए बी का क्यूब होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी। यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर आपका देखिए लैम्डा होगा, ए होगा, डबल ए होगा, डबल बी होगा, उसके बाद आपका ए बी होगा, ठीक है ना, उसके बाद ए बी बी भी यहाँ पर हो सकता है या फिर डबल ए बी बी हो सकता है, कुछ इस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन देखिए एक तो आपको लैम्डा मिलेगा, ठीक है ना, उसके बाद आपको कॉमन मिलेगा ए बी, ठीक है ना, ए बी भी यहाँ पर क्या है कॉमन है, इसके अलावा आपको कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन स्ट्रिंग्स केवल दो होंगी, फर्स्ट हो जाएगा लैम्डा, सेकंड हो जाएगा ए बी। तो फर्स्ट स्ट्रिंग हो जाएगा लैम्डा, सेकंड हो जाएगा ए बी, क्योंकि ए बी के बाद देखिए यहाँ पर देखिए जब आप ए बी से आगे जाएंगे, ए बी से जैसे ही आगे जाएंगे तो आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का मतलब ए बी कॉन्केटिनेट ए बी। तो यहाँ पर ऑर्डर आपका डिफर कर गया, ठीक है ना, पहले ए आया फिर बी आया फिर ए आ गया, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने ऑर्डरिंग की हुई है, पहले सभी ए आएंगे फिर सभी बी आएंगे। तो ऑर्डर आपका यहाँ पर मेंटेन नहीं रहेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि केवल यहीं तक आपका ऑर्डर मेंटेन है, ठीक है ना, पहले ए आए फिर उसके बाद सभी बी आए। तो आपका इन दोनों में जो इंटरसेक्शन आएगा वो आ जाएगा लैम्डा कॉमा ए बी। ए बी प्लस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस हो जाएगा आपका ए बी क्लोजर माइनस लैम्डा, ठीक है ना, यानी ए बी क्लोजर में से आप लैम्डा को माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ए बी प्लस, आपका हो जाएगा ए बी ए बी स्क्वायर ए बी क्यूब, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब मान लीजिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं ए बी प्लस बी ए क्लोजर और दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ए प्लस बी क्लोजर, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। मान लीजिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन आर वन है और ये रेगुलर एक्सप्रेशन आर टू है, तो जैसे कि आप यहाँ पर हमेशा बोल सकते हैं कि आर वन जो होगा वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा आर टू का, ठीक है ना,
क्योंकि यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग्स आपकी मिस होंगी, जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि सिंगल ए, सिंगल ए आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखिए सिंगल ए आपको यहाँ पर, यहाँ पर आपको सभी स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग्स आपकी मिसिंग होगी। फॉर एग्जांपल सिंगल ए आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, सिंगल बी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, डबल ए आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, डबल बी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो सभी स्ट्रिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर वन प्रॉपर सबसेट हो जाएगा आर टू का। इसका मतलब आर वन इंटरसेक्शन आर टू क्या हो जाएगा, आर वन इंटरसेक्शन आर टू हो जाएगा आपका आर वन, एंड आर वन माइनस आर टू आपका हो जाएगा फाइव, ठीक है ना। और R1 यूनियन R2 आपका हो जाएगा इज इक्वल टू R2, और अगर हम आपसे पूछे R1 कॉन्केटिनेट R2 क्या होगा, तो ये आपका R2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप यहां पर लेमडा लेके जब इससे कॉन्केटिनेट करेंगे तो आपका A प्लस बी क्लोजर ही आपको मिल जाएगा। तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि R1 इज नॉट इक्वल टू R2। अब देखिए इन दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन को देखिए, ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन भी आपके इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिंगल भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको सिंगल भी मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल भी मिसिंग होगा, तो ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन आपके इक्वल नहीं है।